गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। तो आज का हमारा क्वेश्चंस है वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और सबसे पहले नंबर पर पूछ लिया जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप बना रहे हो तो कौन कौन से इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या होता है। आई थिंक आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने उसके अंदर बताया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, हम इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं, हम एग्जैक्ट डाइमेंशंस में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो एग्जैक्ट डाइमेंशंस में ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना पड़ता है। जो क्वेश्चन के अंदर कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए, 10 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए, तो मैक्सिमम तक 10 तक पूछे जाते हैं, होते बहुत हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 इक्विपमेंट्स बनते हैं उनको यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की है। तो पहले नंबर पे हमारा कौन सा आता है, ड्राइंग बोर्ड आता है, जिसके ऊपर रख के हम अपनी ड्राइंग शीट को बनाते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग बोर्ड। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का क्या रोल होता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लगाने के काम आता है। उसके बाद ट्रायंगल्स, भाई ज्योमेट्री बॉक्स जब हम परचेज करते थे छोटे से बच्चे जब थे, तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जब फील्ड होती थी, सारे इक्विपमेंट उसके अंदर होते थे, तो एक तो स्केल होता था, उसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल टाइप होते थे, तो हमें पता नहीं होता था उनका रोल क्या होता है, क्या होती है वो हम एक्स्ट्रा वैसे ही रखते थे ज्योमेट्री बॉक्स में। भाई आपका नहीं पता, मैं वैसे ही रखता था उनको, मुझे नहीं पता था उनका रोल क्या है। उनका रोल कहाँ पे आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है। तो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इतने अलग अलग एंगल्स की वो ट्रायंगल्स होती हैं, जो कि हेल्प करती है हमें डायरेक्टली एंगल क्रिएट करने में, बनाने के अंदर, ठीक है। ट्रायंगल्स का हम यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग स्केल का हम यूज़ करते हैं, स्केल जो आपका स्टैंडर्ड स्केल होता है वो भी यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग स्केल की बात की जाती है तो फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ जाती है थोड़ी सी, मेन स्केल, इनलार्ज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा होता है, बड़ा होता है, तो हमें उसको स्केल में बनाना होता है, अलग अलग स्केल में बनाना होता है, मेन स्केल में या रिड्यूसिंग या इनलार्ज स्केल के अंदर। उसके बाद आता है प्रोटेक्टर, जिसको हम डी बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी हम क्या बना सकते हैं, अलग अलग एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्राइंग पेंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पेंसिल हमारी 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स की होती हैं। सॉफ्ट पेंसिल होती है, हार्ड पेंसिल होती है, मीडियम पेंसिल होती है, जैसे HB की होती है, B होती है और H पेंसिल होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, वो अलग वीडियो में मैं बताऊंगा, एक एक करके हर एक इक्विपमेंट्स के बारे में अलग से बताया जाएगा। आज मैं केवल और केवल इनके नाम बता रहा हूँ, कौन कौन से आपके नाम होते हैं। उसके बाद ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट, भाई अभी इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है, A0, A1, A2, A3, A4, A5, ये भी साइज आपसे पूछ लिया जाता है, तो ड्राइंग शीट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्लैंप्स, भाई बोर्ड के ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए आपको शीट को अगर लगाना है, क्लैंप करना है, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप क्लैंप्स यूज़ करते हो, क्लैंप्स की हेल्प से अटैच कर देते हो, दूसरा आपका क्या होता है, आप सेलो टेप की हेल्प से भी अपने बोर्ड पर अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लैंप भी लिख सकते हो और सेलो टेप भी आप लिख सकते हो, ये क्या होते हैं, होल्डिंग डिवाइस होते हैं। फिर आपका फ्रेंच कर्व्स या इरेगुलर कर्व्स, ये क्या होती हैं भाई जब आपको लंबी आर्क्स लगानी होती है ना, जब लंबी आर्क्स लगानी होती है, कर्व लगानी होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, ये क्या होता है, इरेगुलर कर्व्स होती हैं। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, भाई अगर मुझे कोई आर्क लगानी है, बहुत लंबी कर्व लगानी है, तो हम फ्रेंच कर्व्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भाई जो फ्रेंच कर्व्स होती है ना, वहाँ पे मिनिमम मुझे 3 पॉइंट लेने होते हैं, कितने, मिनिमम 3 पॉइंट मुझे लेने ही होते हैं फ्रेंच कर्व को यूज़ करने टाइम। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फ्रेंच कर्व को जब हम यूज़ करते हैं तो कितने पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं, 3 पॉइंट्स को हम लेते हैं फ्रेंच कर्व के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कंपस, प्रकार जो है इसको बोलते हैं, कंपस का रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माई डियर, अगर मेरे पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो मैं कंपस की हेल्प से अपनी कंप्लीट ड्राइंग को बना सकता हूँ, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लगा सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के। तो ये मेरे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि ड्राइंग के अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर बार बार यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, इनको अच्छे से कीजिएगा। वाइवा के अंदर पहला क्वेश्चन यही रखा मिलेगा आपको, या यही पूछा जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। अब एक एक को एलोबरेट मैं करूंगा, एक एक को अच्छे से समझाऊंगा, इनका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट साइज, डायमेंशन, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेक्शंस बनते हैं और किस सेक्शन में किस पॉइंट को डिस्कस किया गया है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ड्राइंग का बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।